बरहरवा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला को लेकर बरहरवा पुलिस ने छापेमारी कर एक चार चक्का वाहन समेत कोयला के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वहीं बरहरवा SDPO प्रदीप उराव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बरहरवा थाना क्षेत्र से NTPC फरकक्का का कोयला ट्रेन से चोरी कर अवैध व्यापार करने को लेकर बंगाल ले जाया जा रहा है, जिसमें एक वाहन में अवैध कोयला के साथ चालक को पकड़ा। NTPC का कोयला ट्रेन से चोरी कर अवैध व्यापार कर बंगाल ले जाने की सूचना प्राप्त थी। सूचना के आलोक में टीम का गठन कर पुलिस कर्मियों के बेहतर समन्वय एवं सूझबूझ के कारण एक लाल रंग का चार चक्का मालवाहक वाहन बरहरवा थाना क्षेत्र के दुलमपुर पुलिया के पास पकड़ा गया। पूछताछ के क्रम कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर वाहन चालक व कोयले को जब्त किया गया। गिरफ्तार ड्राइवर सुफियान शेख ने अपने बयान में अवैध कोयले की कारोबार करने में सम्मिलितता बताई है, साथ ही कई अन्य लोगों का भी इस अवैध कारोबार में संलिप्तता में नाम सामने आई है। कल रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन में अवैध कोयला लेकर जा रहा है बेचने के उद्देश्य से, और इसी सूचना प्राप्त हुई। इसी सूचना के आलोक में सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, और टीम में शामिल पदाधिकारी और कर्मी सूझबूझ के साथ एक पाकुड़ जाने वाली रोज रास्ते पर एक लाल कलर का WB65BO 63 55 गाड़ी आती है, उसको रोका गया। और रोकने के क्रम में गाड़ी को चेक किया गया तो उस गाड़ी में कोयला लदा हुआ था, और उससे कागजात मांगने पर ड्राइवर के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि ये चोरी का कोयला है, जिसे उसको विधिवत रूप से गिरफ्तारी किया गया। और गिरफ्तार होने के पश्चात अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया कि अवैध रूप से हम कोयला का व्यापार करते हैं, और इस कार में जो भी संलिप्त लोग हैं इसको हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है, उस पर भी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उपरोक्त संज्ञेय अपराध के आधार पर बरहरवा थाना कांड संख्या 50/22 IPC के सुसंगत धाराओं के अधीन कांड दर्ज की गई है, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभियुक्त सुफियान शेख पूर्व में भी लकड़ी के कारोबार में जेल जा चुका है, इनका आपराधिक इतिहास रहा है। और जो जब्त सामानों की विवरणी है, एक लाल रंग का मैक्सिको पल्स फूल डाला वाहन जिस पर 13 क्विंटल लगभग कोयला जब्त की गई है, और मोबाइल भी जब्त किया गया है। छापामारी दल में हमारे थाना के इंस्पेक्टर और बड़ा बाबू के टीम शामिल थे, इन लोगों के द्वारा बेहतर काम किया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।